नमस्कार, आप देख रहे हैं जनसंदेश टाइम्स। देश की सबसे बड़ी तथा कथित राष्ट्रवादी पार्टी का दोहरा चरित्र सामने आ चुका है। एक तरफ राष्ट्रवाद, संस्कृति और विरासत की बड़ी बड़ी बातें होती है और दूसरी तरफ भाजपा नेता ही कारनामे करते रहते हैं। वैशाले से लेकर विस्फोटक तक का सफर मेघालय के भाजपा नेता पूरा कर चुके हैं। ऐसा हम नहीं, समाचार एजेंसी की रिपोर्ट कहती है। क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। मेघालय के बीजेपी नेता बर्नार्ड एन मराक को यूपी के हापुड़ से गिरफ्तार किया गया। आरोप था कथित तौर पर वैशाले चलाने का। पुलिस ने मराक के फार्म हाउस पर छापा मारा था। कुछ दिन पहले तो 6 नाबालिगों को मुक्त कराया था। उस दौरान साहब के फार्म हाउस पर गर्भ निरोधक के 500 पैकेट, आपत्तिजनक सामान और दर्जनों वाहन बरामद किए गए थे। पुलिस टीम छुड़ाए गए बच्चों के कपड़े और किताबें लेने के लिए दोबारा फार्म हाउस पर पहुंची थी। इस दौरान पुलिस को फार्म हाउस में एक छोटा दरवाजा मिला जिसे तोड़ा गया तो अंदर कई विस्फोटक और अन्य हथियार मिले। इनमें 35 जेलेटिन की छड़े, 100 डेटोनेटर, 4 क्रॉस धनुष और 15 तीर बरामद हुए हैं। इस मामले पर मेघालय के सीएम कोनराड संगमा ने केवल इतना कहा कि पुलिस अपना काम कर रही है। No, because this is at a completely at a personal level. I don't think this is anything to do with the fact that he's a member of the BJP. I think it's in the press that you stress more on the word BJP vice president than as an individual. If you see his record in the past, he was a surrendered militant, and there are 25 cases that are against him. And a lot of complaints had come in regarding this particular location which he was running. So therefore, it is on the basis of law, on the basis of procedure, and on the basis of evidence that the police have moved. It has nothing to do with politics. It's sad that everybody keeps combining that BJP and this and that word. At an individual level, if he's done that, that's his individual case. It has nothing to do with politics, nothing to do with the political alignment, and there's no question of any effect on the coalition or any relationship between us. It may, because some people may be close to him, friends with him, so they may feel at a personal level, but I think BJP is an organization and a very professional organization, and they realize that in a professional organization, things need to be run in a professional manner, and one cannot take things at a personal manner. So therefore, yes, there will be one or two issues and incidents and individuals who could be concerned or bothered by it. But I think as an organization, both the NPP and the BJP and the MDA coalition is not going to allow that personal matter to affect the overall governing of the government as well as the future of the relationship. Sir, in the last... मराक पहली बार 2017 में सुर्खियों में आए थे जब उन्होंने पशु बाजार में वध के लिए मवेशियों की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने को लेकर केंद्र सरकार के फैसले का विरोध करा था और भाजपा छोड़ दी थी। हालांकि बाद में इस अधिसूचना को वापस ले लिया गया था। बाद में बर्नार्ड एन मराक फिर भाजपा में शामिल हो गए, लेकिन इस बार पार्टी के लिए एक और शर्मनाक स्थिति पैदा हो गई है। अब बताइए, ये अगर सांस्कृतिक राष्ट्रवाद नहीं है तो और क्या है? यही खबर अगर किसी अन्य पार्टी के नेता से जुड़ी होती तो मालवीय और उनकी टीम चार चार दिन ओवर टाइम कर रही होती। प्रज्ञा, प्राची, गिरिराज वगैरह बाइट देते देते थक जाते, लेकिन मामला अपनी पार्टी से जुड़ा है इसलिए सब मुंह में बिना GST का देसी दही जमाए बैठे हैं। खैर, गिरफ्तारी हो चुकी है, आगे क्या कार्रवाई होगी देखना अहम होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जनसंदेश टाइम्स।